गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर पेरेंटल केयर अपने मतलब जो पेरेंट्स होता है, ठीक है, मेल और फीमेल जो पेरेंट्स होता है वो अपने यंग वंस या अपने जो एक्स है उनका मतलब देखभाल कैसे रखते हैं, पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। तो जो पेरेंटल केयर है, ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर या एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है, इसमें दो चीज़ें आता है। एक तो अपने फर्टिलाइज्ड एग का केयर करना, और दूसरा मतलब जब वो फर्टाइल एग, ठीक है, मतलब हेच नहीं होता है, ठीक है, एक तो फर्टाइल एग का केयर करना, दूसरा फर्टाइल एग का केयर करना अप टू हैचिंग, हैचिंग तक दूसरा जो न्यूली बॉर्न होता है, ठीक है, यंग मंस जो होता है उनका केयर करना टिल दे अटेन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट एडल्ट या टिल दे ग्रो इन टू अ इंडिपेंडेंट एडल्ट। तो पेरेंटल केयर तो हम कह सकते हैं, देखो, पेरेंटल केयर एसेंशियली इंक्लूड्स द केयर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग का केयर करना, इट्स सब्सिक्वेंट डेवलपमेंटल स्टेज अंटिल इट हैच्ड, एज वेल एज द केयर ऑफ न्यूली हैच्ड और बॉर्न यंग टिल इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट एडल्ट। ठीक है, तो पेरेंटल केयर क्या होता है? पेरेंटल केयर मीन्स वो केयर करना, ठीक है, फर्टाइल एक्स का, ठीक है, एक्स का केयर करना, और वो एक्स मतलब जब तक हेच ना हो जाए, ठीक है, हेच ना हो जाए मीन्स लार्वा ना बन जाए तब तक केयर करना। और सेकंड इसमें इंक्लूड होता है जब बन जाता है, ऑफस्प्रिंग बन जाता है, लार्वा बन जाता है, फिर लार्वा का ध्यान रखना, केयर करना जब तक कि लार्वा किस में कन्वर्ट ना हो, इंडिपेंडेंट अडल्ट में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंटल केयर मतलब जो होता है दो चीज़ों का होता है, एक एक्स का होता है, एक यंग वंस का होता है, जो न्यूली बॉर्न यंग वंस होता है, ठीक है। अब इट देखो, फिर इट रिप्रेजेंट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, ठीक है, ठीक है। अब मोस्टली जो एनिमल किंगडम्स में जब हम देखते हैं, ठीक है, तो जो केयर करता है यंग वंस का जो केयर होता है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स का जो केयर होता है, यंग वंस का जो देखभाल रखते हैं वो फीमेल ही अकेली करती है, ठीक है, जो भी करती है वो मदर करती है, फादर का कोई मतलब रोल मतलब सेवरल स्पीशीज में फादर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, फ्रीक्वेंटली द केयर ऑफ द यंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फीमेल एलॉन, बट इन सेवरल स्पीशीज मेल ऑल्सो प्लेस अ रोल टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, ठीक है। तो ये फिनोमिना जो है पेरेंटल केयर का, जो फिनोमिना है कि मदर रखेंगे केयर बच्चों का केयर या फादर रखेंगे, ठीक है, तो ये डिफरेंट एनिमल्स एनिमल के ग्रुप्स में वेरी होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, वेरी होता है, ठीक है। अगर हम लोअर एनिमल्स के बारे में बात करें, ठीक है, जो लोअर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लोअर एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो लोअर एनिमल्स क्या करता है, यंग वंस का जो न्यूली यंग जो बॉर्न यंग वंस होता है इन उनका केयर इतना उनमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन क्या करता है जो लोअर एनिमल्स है वो मतलब बहुत सारे, ठीक है, एक्स मतलब बहुत सारे एक लार्ज नंबर ऑफ एक्स मतलब प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ले करता है, लार्ज नंबर ऑफ एक्स ले करता है, फिर क्या होता है, बहुत सारे एक ले होने के बाद मतलब स्पर्म जो है, ठीक है, मेल स्पर्म शेड होता है, ठीक है, एक्सटीरियर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में शेड होता है, ताकि बहुत सारे एक में से कम एक या दो को क्या कर सके, फर्टाइल कर सके, ठीक है। देखो, लोअर एनिमल्स इन ऑर्डर टू परपिटुएट ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म विच आर शेड टू द एक्सटीरियर सो एज टू इंश्योर दैट एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ द एग्स गेट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, एंड डेवलप्स इनटू एडल्ट, ठीक है। तो पेरेंटल
पेरेंटल केयर लुअर एनिमल्स में या तो एब्सेंट होता है या मतलब रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिर्फ फर्टाइल एक मतलब जो एक्स होता है फर्टाइल एक्स का ही केयर होता है, तो यंग वंस का कोई केयर नहीं होता है। तो देखो दी पेरेंटल केयर इन लुअर एनिमल्स इज इन आइदर एब्सेंट और ऑल टुगेदर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली केयर ऑफ दी फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। अब लेकिन जो केयर होता है, ठीक है, यंग वंस का केयर होता है या एग्स का केयर होता है, वो मोस्टली हमें देखने को मिलता है बर्ड्स और मेमल्स में। बर्ड्स में बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर होता है और मेमल्स में भी, मेमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीन्स। हम अपने बच्चों का कैसे मतलब हमारे पेरेंट्स, ठीक है, अपने बच्चों का कैसे मतलब देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, वो मतलब ज़्यादा जो हायर एनिमल्स है, ठीक है, हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें, जिसकी बर्ड्स और मेमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, पेरेंटल केयर, ठीक है। अब जो एम्फीबियंस के अंदर, हमें एम्फीबियंस के अंदर पढ़ना है पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर पेरेंटल केयर दो तरीके से होता है, एक तो केयर ऑफ एग्स, ठीक है, जो फीमेल ले एग करती है, ठीक है, उस एग का प्रोटेक्ट करना। सेकंड केयर ऑफ यंग वंस, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे केयर ऑफ दी एग्स, ठीक है, एग्स का केयर कैसे करते हैं। देखो अब एम्फीबियंस जो है, ठीक है, मतलब डिफरेंट एम्फीबियंस क्या करता है, वेराइटी ऑफ नेस्ट जो वहाँ पे जो रहता है शेल्टर, ठीक है, वेराइटी ऑफ नेस्ट क्या करता है उनके अंदर मतलब होता है, ठीक है, अलग अलग एम्फीबियंस अलग अलग नेस्ट बिल्ड करता है, ठीक है, शेल्टर बिल्ड करता है, नेस्ट बिल्ड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन ट्री फ्रॉक होता है, ठीक है, अमेरिकन ट्री फ्रॉक ये है अमेरिकन ट्री फ्रॉक, ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम भी दिखाऊंगी, देखो आप लोगों को। जो अमेरिकन ट्री फ्रॉक है वो क्या करता है, अमेरिकन ट्री फ्रॉक अपना जो एक्स होता है, ठीक है, वो किसी लीव एक पत्ते पे, वो पत्ता जो कि बिल्कुल उसके नीचे क्या हो, वाटर हो, ठीक है, वाटर के ऊपर जो पत्ता हैंग होता है, ठीक है, वाटर मान लो यहाँ पे वाटर, वाटर के ऊपर जो पत्ता हैंग होता है, मोस्टली अमेरिकन ट्री फ्रॉग क्या करता है, वो कुछ इस तरीके से जगह ढूंढती है, ठीक है, अपने एक्स को ग्लू करने के लिए, उस लीफ पे उस पत्ते पे अपने एक्स को ग्लू करता है। और वो मतलब कौन से लीव्स होना चाहिए, जो कि उसके नीचे जस्ट मतलब लीव्स के जस्ट नीचे क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो अमेरिकन ट्री फ्रॉग ग्लूज द एग्स टू द लीव्स दैट हैंग ओवर द वाटर, ठीक है, ताकि जब ये मान लो, जब ये मतलब पत्ता मान लो यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ग्लू करता है अपने एक्स को, अमेरिकन ट्री फ्रॉग अपने एक्स को ग्लू करता है। क्यों क्यों ग्लू करता है, उन जगहों पर, उन पत्तों पर क्यों ग्लू करता है जिसके नीचे वाटर होता है, क्योंकि जब वो एक्स एक्स से लार्वा हेस्ट होता है, ठीक है, एक्स से हेस्ट होके जब लार्वा बन जाता है, तो जो टेडपोल लार्वा होता है वो सीधे कहाँ पे फॉल हो, वाटर में फॉल हो, ठीक है। तो अमेरिकन ट्री फ्रॉग लूज दी एक्स टू द लीव्स दैट हैंग ओवर द वाटर, सो दैट द टेडपोल ऑन हैचिंग फॉल स्ट्रेट इनटू द एक्वेटिक एनवायरनमेंट या फॉल स्ट्रेट इनटू द वाटर, ठीक है। तो अमेरिकन ट्री फ्रॉग ऐसे कुछ ऐसे नेस्ट बनाता है, ठीक है, ऐसे जगह ढूंढती है, ठीक है। तो या फिर एक और फ्रॉग आता है, ठीक है, ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग, ठीक है, वो अपना नेस्ट बिल्ड कैसे करती है। देखो जो ब्राजीलियन ट्री फ्रॉक होता है वो क्या करता है, जो मेल ब्राजीलियन ट्री फ्रॉक है, मेल, ठीक है, मेल क्या करता है, मेल एक क्रिएटर वो करता है, क्रिएट करता है, क्रिएटर बनाता है, प्रिपेयर करता है। क्रिएटर मीन्स CREATER, CREATER, क्रिएटर मीन्स क्या होता है, एक बॉल शेप्ड का डिप्रेशन होता है, ठीक है, बॉल शेप्ड, इससे बॉल शेप्ड का क्या होता है, बॉल शेप्ड का एक डिप्रेशन, कुछ इस तरीके से मेल क्या करता है, मेल जो ब्रेजिलियन मतलब फ्रॉक है, ट्री फ्रॉक है, वो मतलब ऐसे कुछ डिप्रेशन, कुछ इस तरीके से बॉल शेप का डिप्रेशन प्रिपेयर करता है, ठीक है, मेल क्या करता है, डिप्रेशन प्रिपेयर करता है। फिर
डिप्रेशन कहाँ से प्रिपेयर करेगा, मठ, मतलब जो मठ होता है वहां से कुछ इस तरीके से एक डिप्रेशन वो प्रिपेयर करता है, मेल ब्रेजिलियन ट्री फ्रॉग। फिर इसके बाद उस डिप्रेशन में फीमेल फ्रॉग आके वहां पे एक ले करता है अपना, तो ये एक्स का प्रोटेक्शन, मतलब एक किस्म का एक्स का क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, जो फीमेल वहां पे आके एक्स ले करता है तो वो क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। इसके केस में भी, अमेरिकन ट्री फ्रॉग के केस में भी, अमेरिकन ट्री फ्रॉग क्या ढूंढता है, कुछ ऐसे पत्ते ढूंढते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रीज के लीव्स ढूंढते हैं जो कि बिल्कुल उसके नीचे वाटर होता है, कि जो ही टेडपोल लार्वा हेच होता है, ठीक है, एग से बनता है, तो वो सीधे उस वाटर में मतलब फाल हो जाए या किसी और दूसरे जगह पे फाल ना हो जाए, ताकि एनिमीज जो होता है उनसे प्रोटेक्ट कर सके। तो उस एक्वाटिक एनवायरनमेंट में वो क्या होता है, वो ग्रो होता है, ठीक है। तो या एक और एग्जांपल है इसमें, पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस में, सेसिलियंस, जो इथियोफिस होता है, जो लिमलेस एम्फीबियंस होता है, जिनका शेप स्नेक की तरह होता है, वो क्या करता है, ये है फीमेल इथियोफिस, वो क्या करता है, फीमेल जो इथियोफिस है, ठीक है, जो लिमलेस एम्फीबियंस है, फीमेल क्या करता है, पहले एक ले करता है, एक्स ले करती है, फिर वो अपने बॉडी को, पूरे बॉडी को मतलब कॉइल करता है अराउंड दी एग्स अंटिल दी एग्स आर हैच्ड, ठीक है, फीमेल गर्ड गर्ड दी एग्स बाय कॉइलिंग अराउंड देम टिल दे हैच। तो इस तरीके से पेरेंटल केयर होता है एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक और एग्जांपल केयरिंग ऑफ एग्स के बारे में, ठीक है, केयर ऑफ द एग्स के बारे में, एम्फीबियंस के अंदर जो फीमेल डस्की सलमंडर जो होता है, सलमंडर मींस जो कि जिनका टेल प्रेजेंट होता है, जो कि लिजर्ड लाइक होता है, ठीक है, सलमंडर्स डस्की जो सलमंडर होता है वो क्या करता है, अपने नेक के इर्द गिर्द, ठीक है, द फीमेल डस्की सलमंडर कैरीज क्लस्टर ऑफ एग्स रैप्ड अराउंड हर नेक। जो फीमेल सलमंडर है, फीमेल जो डस्की सलमंडर है, वो अपने नेक के इर्द गिर्द बहुत सारे एग्स कैरी करता है, रैप्ड करता है, ठीक है, एग्स ले करके वो क्या करती है, बहुत सारे एग्स अपने नेक के इर्द गिर्द रैप्ड करके रखता है, ताकि प्रोटेक्ट कर सके, एग को प्रोटेक्ट कर सके। या एक और एग्जांपल है मिडवाइफ टोट का, ठीक है, ये जो मेल एलाइट्स होता है, एलाइट्स जिसे कहते हैं मिडवाइफ टोट, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, जो फीमेल जब मिडवाइफ जो टोट है, जब फीमेल मिडवाइफ टोट क्या करती है, जब एक ले करती है, तो मेल जो मिडवाइफ टोट है, ठीक है, मेड टोट है, वो क्या करता है, अपने थाइस के इर्द गिर्द, ठीक है, अपने थाइस के इर्द गिर्द मतलब बहुत सारे एग्स को रखते हैं, ताकि वो उन एग्स को प्रोटेक्ट करे। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, एग्स का प्रोटेक्शन होता है एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होता है केयर ऑफ यंग वंस, ठीक है, जो केयर ऑफ एग्स हमने बताया, ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर जो पेरेंटल केयर हमें देखने को मिलता है, एक तो उनके एग्स को फीमेल जब एक ले करती है, उस जो एग्स को प्रोटेक्ट देना, सेकंड केयर ऑफ द यंग वंस, जब एग से लार्वा हेस्ट होता है, टेडपोल हेस्ट होता है, ठीक है, लार्वा बन जाता है, एग से जब लार्वा बन जाता है, तो उस लार्वा का क्या करना, मतलब केयर करना, ठीक है, उस यंग वंस का केयर करना। तो हम सेकंड हम डिस्कस करेंगे केयर ऑफ यंग वंस। तो एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है,
मतलब कुछ कुछ एम्फीबियंस के अंदर सिर्फ एग्स का ही प्रोटेक्शन नहीं होता, बल्कि जो लार्वा, न्यूली हैच्ड लार्वा है या टेडपोल लार्वा है, यंग वन से उनका भी क्या होता है, केयर होता है। ठीक है, पेरेंट्स उनके उन बच्चों का क्या करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो मर्सुपियल फ्रॉक है, गेस्ट्रोथीका जिसे कहा जाता है, गेस्ट्रोथीका और सुरीनम टोट है जिसका जोलॉजिकल नेम क्या है, पाइपा पाइपा। ठीक है, तो मर्सुपियल फ्रॉक और सुरीनम टोट क्या करते हैं, जब उनके वो क्या करते हैं, मर्सुपियल मीन्स जिनके अंदर फ्रॉक, जिनमें क्या होता है, मतलब पॉकेट्स होता है, ठीक है, पाउच होता है, तो उस पाउच में उनके बॉडी के स्किन में क्या होता है, उन फ्रॉक के या उन टोट के बॉडी के स्किन में पाउच होता है। जैसे कि कैंगेरो क्या करता है, अपने बच्चे को पाउच में रखता है, ठीक है, पॉकेट्स में रखते हैं। इस तरीके से फ्रॉक, जो मर्सुपियल फ्रॉक है या सुरिनम टोट है, वो क्या करते हैं, उनके स्किन में पाउच होता है, मतलब चंदे की तरह पॉकेट्स होता है, ठीक है, चंदा होता है, तो वो अपना एक्स जो है उस पॉकेट में डाल देता है, तो पूरा एक वही पॉकेट में रहेगा। तो जब एक्स लार्वा में हेस्ट होता है, तो लार्वा भी उसी पॉकेट में ही रहता है जब तक कि वो अडल्ट ना बन जाए, इंडिपेंडेंट अडल्ट ना बन जाए। फिर अडल्ट बनने के बाद वो छोड़ देता है, पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देता है। जब तक कि इंडिपेंडेंट अडल्ट नहीं बन जाता है, तब तक उस लार्वा को या वंस को अपने ही पाउच में ही पेरेंट क्या करके, केयर करके रखते हैं। ठीक है, रखते हैं। तो यहाँ पे पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस में दो चीज़ें इंक्लूड है, एक तो मतलब केयर ऑफ द एग्स, सेकंड है केयर ऑफ द यंग वंस। तो ये है हमारा पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नियोटिनी, ये एम्फीबियंस में एक और टॉपिक है नियोटिनी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।